जल गई तो क्या, तुमसे बढ़ के तो नहीं थी। डोंट वरी डॉक्टर साहब, सब ठीक है ना? जी बिल्कुल ठीक। वही के गुड न्यूज, शी इज प्रेग्नेंट, मां बनने वाली। सच? नैन तारा भी तो पूरी रात घूमती रही अपने शौहर के साथ इतनी हैवी ज्वेलरी पहनकर, लेकिन अरमान को तो एतराज नहीं हुआ। वो तो और कह रहा था कि लिपस्टिक और डार्क करो। तुम हर चीज में अपना मुकाबला नैन तारा से क्यों करती हो? उनकी अपनी लाइफ है। रब दिला विच देखो, हमारे पास जो कुछ भी था हमने आप लोगों को दे दिया, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। अबे ओए, इस बात का फैसला मैं करूंगा, तूने चुप कर। अरे बुढ़िया, और क्या है तेरे घर में? तभी से बात कर, माए वो मेरी। तो तेरी माँ के पांव छू जाके हैं? अब मैं चुप करके बैठा रहे वरना हमेशा के लिए ठोक दूंगा तेरे को। नहीं, नहीं, नहीं। तुम्हें तुम्हें जो कुछ चाहिए तुम सब कुछ ले लो, लेकिन तुम मेरे बच्चों को कुछ मत कहो। बड़ी सियानी है तेरी माँ। उतरवा सारी चीजें। इसके तो मैं खुद उतारू। बीवी को हाथ ना लगाऊं तेरी है? लेके चलो जरा इसको अंदर, बाकी होगा तुम लेकर। आपकी मदद करना तो मेरा फर्ज है, मुझे आपसे ये नहीं चाहिए था कि फिर कभी दे दीजिएगा उदास उस समय। भाई मेरा,
भारत करे उन डाकुओं, तो मार ले जाते पर जान तो बख्श देते। मगर उस बेचारे की इतनी ही लिखी हुई थी, अब कोई ना कोई बहाना तो बनना ही था ना। बेचारी नैनतारा, एक साल ही तो हुआ था अभी शादी को, बहुत अच्छा इंसान था अरमा। बस अब तो जमाने की ठोकरों में आ जाएगी लड़की, जवान बेवा और पत्थर की सिल एक बराबर होते हैं। सही कह रही हो बहन। क्या बात है, कत्ल करने का इरादा है? जैसे आप तो कत्ल हो जाएंगे। तुम बोलो तो अभी अपनी जान दे दूंगा। बुरी नजर वगैरह भी रखी हुई, जब किसी को बुरा वक्त आना होता है ना तो इंसान आ। लेकिन देखो बेटा, एक चीज होती है बुरी नजर, जो पत्थर को भी फाड़ देती है। लेकिन मुझे डर है बेटा कि कहीं तुम दोनों के प्यार को किसी हासिल की नजर ना लग जाए। आप ठीक कहती थी अम्मी, बुरी नजर सबको खा जाती है, सारे रिश्तों को, मोहब्बतों को, खुशियों को। लेकिन अम्मी, बुरी नजर मेरे मेहमान को खा गई। चले गए मत मत रो, मेरा अरमान हिस्सा जाएगा। सफर करने वालों के साथ सबर सबर करो, अल्लाह अल्लाह सबर करने वालों के साथ। मैं तारा सबर सबर करो। चनासे का टाइम हो गया है। जिन कंधों पे उसे बचपन में उठाया था, अब उन्हीं पे उसका जनाजा नहीं उठा पाऊंगा मैं। इस खुद को संभाले, हालांकि यही रजा थी। गोली तो मुझे लगी थी, मुझे ना ना करे, कैसे बहकी बहकी बातें कर रहे। ठीक ही तो कह दो, मुझे ही तो बचाते बचाते अपनी जिंदगी की बाजी हारा। वो सब ऐसे ही होना था। वो क्यों चला गया उसे, क्यों छोड़ गया? मैं कैसे रहूंगा तना उसके बगैर। खुद को संभाले, खाला को भी आप ही ने संभालना है। जब वो उठेंगी और उनको पता चलेगा कि मान का आखिरी बार चेहरा भी नहीं देखा उन्होंने, सब आप ही को देखना है। तुझे नींद आ गई, मेरा दिल फट जाएगा। मान, प्लीज अपने दिल को मजबूत करें। आ जाइए अंदर।
किसी भी रजा है ठीक है मैं हूं तुम्हारा कसूर फाड़ने जा रहा हूं मुझे मारो और मारो मुझे प्लीज और मारो मुझे ये तो सारी उम्र की बेरामी है मेरी तो आपा का बाजू टूट गया खाला तो बार बार बेहोश हो रही है होश में नहीं आ रही वो अरे होश तो जाने वाला अपने साथ ही ले गया कैसे झटपट सब कुछ खत्म हो गया नैन तारा को भी बिल्कुल होश नहीं है बिल्कुल बेसुध पड़ी हुई है अरे उस पे तो गजब का पहाड़ टूटा है बदनसीब पे अभी साल भर ही तो हुआ था उसकी शादी को मुझे तो लगता है कि नैन तारा ही अरमान के लिए मनहूस साबित हुई है कैसी बात कर रही हो तुम ठीक कह रही हूँ मैं अरमान पूरे 22 साल जिंदा रहा और जैसे ही नैन तारा से शादी हुई एक साल में ही मर गया अरे लगता है सदमे से ना तेरा दिमाग खराब हो गया तभी तो बहकी बहकी बातें कर रही है ये मैंने नहीं सोचा ये जो जनाजे में आई नहीं थी ना औरतें वो ये बातें कर रही थी अरे होश के नाखून लो सब जानते हैं अरमान अपने भाई को बचाता हुआ मरा है और अगर वो उसके सामने ना आता तो खुदा ना खास्ता मैं तो लाख शुक्र करती हूँ अल्लाह का कि बस फरहान जिंदा और सलामत है अल्लाह उसे जिंदगी दे सलामत रखे उसकी विरासत से बुरी हालत है बेचारे की अच्छा याद दिलाया अम्मा आप ये चाय देखें मैं फरहान को देख कर आती हूँ जब से दफना कर आए कमरे में बंद है मस्जिद ढा दे मंदिर ढा दे ढा दे जो कुछ ढहंदा एक बंदे फिलहाल तो मुझे अपना धड़कता हुआ दिल नजर आ रहा है अरमान आप क्या हर वक्त ये सब दिल मोहब्बत प्यार की बातें करते रहते हैं थकते नहीं आप हमारा तो पैगाम ही सिर्फ मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचा पहुँचा देंगे ठीक है लेकिन मैं सोच रही हूँ आप थोड़ा रेस्ट करो बहुत थक गई हूँ आज रेस्ट वेस्ट बिल्कुल नहीं करेंगे आज रात आप सिर्फ मुझसे बातें करेंगे क्योंकि मेरा बहुत मूड हो रहा है बातें करने का बहुत सारी तुमसे गॉसिप लेनी बताओ क्या क्या हो रहा है आपको लगता है कि मैं इतनी पागल हूँ कि मैं सारी रात आपसे बैठ के सिर्फ बातें करूंगी अरे ये इश्क का नाक जिसे काट लेना वो तो एक घूंट पानी तक नहीं मांगता अरमान कैसे कर लेते हैं आप इतनी रोमांटिक बातें बताएं मुझे अच्छा देख लेना जिस दिन मैं नहीं हूंगा ना उस दिन मेरी यही सारी रोमांटिक बातें याद आएंगी तुम्हें फिर शुरू कर दी ना आपने ये फजूल बातें अपनी इसीलिए मैं कह रही थी मुझे आपसे कोई भी बात नहीं करनी
लोग बड़े बदल दे रूह में कालक भर दे सच्चा साई बख्शे जान है रब रब कर दी ओ रबा मेरे हाल दम है तू इश्क दा जहर चखा सब क्या हो गया अम्मी? अरमान ने मैं छोड़ के चला गया हमेशा हमेशा के लिए। कैसी बदनसीब माँ हूँ मैं, अपने बच्चे का आखिरी दीदार भी नहीं कर सकी। मैं गफलत की नींद सोती रह गई और मेरा बच्चा चला गया। जाना तो मुझे था, वो क्यों चला गया मुझे छोड़ के? ये सब मेरी वजह से, मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं, उसे ऐसे ही जाना था, ऐसे ही जाना था हम सबके दिलों को घाव देकर। या अल्लाह, मैं भी फरहान को यही कह रही थी कि इनका कोई कसूर नहीं है, अरमान की जिंदगी बस इतनी ही थी। मेरी नैनतारा कैसी है, कहाँ है वो? नीम की गोली दी है उसे, सो रही है। मुझे उसके पास ले चलो। खाला आराम कर रही है, उसे सोने देते हैं। मैं कुछ नहीं जानती, मुझे अपनी नैनतारा को देखना है, मैं खुद चली जाती। मैं आपको ले चलता हूँ। सबको नैनतारा की पड़ी हुई है। मैं जो कल रात से हर आए गए को देख रही हूँ, सारे घर और घर वालों को संभाल रही हूँ, उसका किसी को एहसास नहीं है। अम्मी मुझे अरमान बुला रहे हैं ना, मुझे जाने हैं, छोड़े। अरमान होश में आओ नैनतारा, अरमान मर चुका है, नहीं है वो वहां पे। आप इन डाकुओं से, इन बदमाशों से रख कर लेंगे, हम जानते हैं ये लोग कितने खतरनाक होते हैं। जानता हूँ मैं, इसीलिए उस दिन तुम्हें इतनी हैवी ज्वेलरी पहन के बाहर जाने से मना कर रहा था मैं। क्या मतलब है? तुम्हें जेवरात से लदी हुई देखकर वो पीछा करते हुए हमारे घर तक आए थे। तुम 21 साल की हो ना, कोई 50 साल की थोड़ी हो जो बेवा बन के पूरी जिंदगी गुजारोगे। नया घर तो बसाना है ना। भाभी आपने आज ये बात कह दी है, प्लीज आइंदा मत कीजिएगा। रब दिला विच कहाँ जा रही हो नैनतारा? मुझे जाने है अम्मी, छोड़े मेरा हाथ। कहाँ? अम्मी मुझे अरमान बुला रहे ना, मुझे जाने है, छोड़े। अरमान होश में आओ नैनतारा, अरमान मर चुका है, नहीं है वो वहां पे। अम्मी देखिए ना फरहान भाई को किस तरह की बातें कर रहे हैं, अरमान यही है, अभी अभी मेरे मुझसे बात कर रहे थे कमरे में। ऐसे कैसे हो सकते हैं, अम्मी इनको बोले इस तरह की बातें ना करें। अभी तो वो मुझसे कमरे में बात कर रहे थे, बैठे हुए थे मेरे सामने। अम्मी फरहान भाई को बोले इस तरह की कोई बात ना किया करें। ठीक कह रहा फरहान, अरमान मर चुका है, जा चुका है हम सबको छोड़ के, अब वो कभी वापस नहीं आएगा, कभी वापस नहीं आएगा वो। अरमान
कर रही है? अरे बुरी बलाएं बुरी नजरों को रफा दफा करने के लिए धूनी दे रही हूँ, और क्या कर रही हूँ? जब तक नयन तारा के नाम की यहाँ नहुसियत है ना, कुछ नहीं होने वाला इस धूनी शूनी से, बंद करें इसे। अरे मेरा पाक धुआं क्यों उड़ा रही हो? मेरी सांस रुक रही है अम्मा, बंद करें इसे, जी नहुसियत सी छाई हुई है। मौत की नहुसत ऐसे ही सांस रोकने वाली होती है। मुझे तो इस नयन तारा पे गुस्सा आ रहा है, बस तस्वीर बहाकर हमदर्दियां बटोर रही है। अरे एक दिन की बेवा है ना, हमदर्दियां तो बटोरेगी ना। मैं तो बस इसके बोरिया बिस्तर को समेटने के चक्कर में, किसी भी तरह से जान छूटे हमारी। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? अगर किसी ने सुन लिया ना तो तुम्हारे तरफ से दिल खट्टा हो जाएगा। तो और क्या करूं अम्मा, हर वक्त खाला के गले लगकर रोती रहती है या फरहान के कंधों को पकड़ के झूलती रहती है। अपना दिल बड़ा करो, नरम करो, सदमा भी तो देखो कितना बड़ा है। ऐसे जो भी हुआ ना अच्छा ही हुआ, अब एटलीस्ट मुझे तो सदमा नहीं पहुंचेगा ना जब मैं इन दोनों मियां बीवी का रोमांटिक शो देखूंगी। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? अरमान तुम्हारा भी कुछ लगता था कि नहीं? अच्छा आप जाएं खाला के पास, मुझे ये सब बर्दाश्त नहीं हो रहा। ये बात तुमने मुझसे तो कह दी है, किसी और के सामने मत बोलना। इतनी पागल थोड़ी हूँ, अब आप जाएं अपनी आपा के पास। इसको तो लेकर जाएं अम्मा, जी नींद आ रही है मुझे। सो जाओ। तो मैडम सो गई हैं, हम क्यों ना। बात सुनो यार। भाई आप यहाँ बैठे, जल्दी बोले, मैं बहुत जल्दी में। हमेशा जल्दी में ही रहते हो, हवा के घोड़े पर सवार कभी भाई के पास ही बैठ जाया करो। घोड़ा, क्या बात कर दी आपने। भाई आप तो जानते हैं मुझे हमेशा बहुत जल्दी रहती है। तुमने यही जल्दी अपनी शादी में भी की थी, जिसकी वजह से मुझे कुर्बानी का बकरा बनना पड़ा, ताकि लोग ये ना कहें कि बड़े को छोड़ के छोटे की शादी पहले कर दी। ये बात तो सही की आपने, और अब मुझे जल्दी है कि मैं वालिद मोहतरम बन जाऊं। अच्छा, और वो क्यों? भाई ये जिंदगी बहुत मुख्तसर, इंसान को अपनी सारी ख्वाहिशात फौरन पूरी कर लेनी चाहिए। That's true by the way. भाई अब मैं जा रहा हूँ, पूरा एक मिनट मैंने आपको दिया है। Okay, love you. Love you. Be safe, हाँ? Okay. I'll see you. आगे। वाकई अरमान, तुम्हें हर बात की कितनी जल्दी थी, इतनी जल्दी कि मेरी तरफ आती मौत का हाथ पकड़ कर तुमसे पहले चले गए। सो गई। हाँ, फिर नींद की दवा देकर सुलाया उसे। जाहिर है उस पर तो इतनी बड़ी कयामत जुटी है। अल्लाह की मर्जी, बस यही कह कह के दिल को तसल्ली देने की कोशिश कर रहे हैं हम। हाय अब्बा, जवान बहुत है,
सबर आते आते ही आएगा। हरिया का माल था, उसने वापस ले लिया, हमारा क्या जोर? मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा, ऐसे लगता है अभी किसी कोने से अरमान मुस्कुराता हुआ निकल आएगा। अब कुछ पता चला मर्दों डाकू का? नहीं, बस मुझे लगता है कि मेरे अरमान की जान लेने के लिए आए थे वो। तो आपको पुलिस में तो रिपोर्ट करवानी थी ना? अभी तो हमें अपनी होश नहीं, किसी के खिलाफ क्या रिपोर्ट दर्ज करवाए। सच आपा, माल ले जाते, उसकी जान तो बख्श देते, कैसी माओ की गोदे सेकंडों में उजाड़ के चले जाते ये लोग। इस वक्त कहाँ गए थे? पुलिस स्टेशन से कॉल आई थी, कुछ लोग पकड़े थे उन्होंने, उन्हें की शनाख्त के लिए बुलवाया था। तो उनमें से कोई था? उनमें से कोई भी नहीं था। फिर आप छोड़ूंगा तो मैं भी नहीं उन्हें, एक बार मिल तो जाए मुझे। कैसी बातें कर रहे हो, कैसे मिलेंगे वो लोग? कहीं ना कहीं तो टकरा ही जाएंगे। फरहान, आप इन डाकुओं से, इन बदमाशों से टक्कर लेंगे, आप जानते हैं ये लोग कितने खतरनाक होते हैं। जानता हूँ मैं, इसीलिए उस दिन तुम्हें इतनी हैवी ज्वेलरी पहन के बाहर जाने से मना कर रहा था मैं। क्या मतलब है? तुम्हें जेवरात से लदी हुई देखकर वो पीछा करते हुए हमारे घर तक आए थे। सारा इल्जाम मुझ पर लगा दिया, और नैनतारा वो भी तो उस रात इतनी सज धज कर गई थी। आप मान लें, अरमान की मौत उसी रात लिखी थी। सरी, कितनी आसानी से तुमने अरमान की मौत की बातें कर दी, ये मत भूलो कि वो मेरे हिस्से की मौत मरा है। अब सारी जिंदगी मुझे उसके हिस्से की सांसें लेनी जो उसे लेनी थी। दिन हो गए तुम अपने कमरे से ही नहीं निकलती, कब तक ऐसे ही पड़ी रहोगी? दिल नहीं करता बाहर निकलने को। दिल तो पता नहीं क्या क्या करने को करता है, लेकिन कभी कभी अपने दिल के बजाय दूसरों की भी सुननी पड़ती है। आप कहिए भाभी, मैं सुन रही हूं। मैं कह रही थी कि मैं जानती हूँ कि तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ा हादसा गुजरा है,
लेकिन दुनियादारी भी देखनी पड़ती है। आपने निभा तो रही है दुनियादारी, सभी कुछ तो देख रही हैं। हाँ, लेकिन मेरा मतलब है कि मैं अकेली कब तक और क्या क्या देखूंगी। नयनतारा, कुछ जिम्मेदारियां तुम्हारी भी है ना। मैं समझी नहीं। मेरा मतलब है कि अगर किचन में थोड़ा सा हाथ बटाओगी मेरा तो तुम्हारा भी जहन बटेगा ना। मेरी तो जात ही टूटकर हिस्सों में बट गई है। मैं तुम्हारे जज्बात समझती हूँ नयनतारा, लेकिन मरने वालों के साथ मरा नहीं जाता। आपको मैं जिंदा नजर आती हूँ? मैं तो अरमान के साथ ही मर गई थी, बस मुझे दफनाना भूल गए। फिक्र ना कर, तुम्हारी ये मुश्किल के मैं जल्द ही हल कर दूंगी। वैसे नयनतारा तुम ठीक कहती हो, एक बेवा औरत की भी क्या जिंदगी, ऊपर से तुम प्रेग्नेंट भी हो। अगर इस बच्चे का सिलसिला नहीं होता तो 4 माह बाद तुम अपनी नई जिंदगी शुरू कर देती। नई जिंदगी? हाँ, देखो तुम 21 साल की हो ना, कोई 50 साल की थोड़ी हो जो बेवा बन के पूरी जिंदगी गुजारोगी। नया घर तो बसाना है ना। भाभी, आपने आज ये बात कह दी है, प्लीज आइंदा मत कीजिएगा। आपको अंदाज है आपके इन अल्फाज ने मुझे कितनी तकलीफ पहुंचाई है? अरे मैं तो तुम्हें बहन समझती हूँ, इसलिए बस एक बात कह दी। तुम चाय पियो, मैं फरहान को देख कर आती हूँ। देखिए इंस्पेक्टर साहब, 20 दिन हो गए मेरे भाई को और आप लोगों ने रिजल्ट देने के बजाय सिर्फ तसल्लियां दी हैं। आपने जो भी इन्वेस्टिगेशन करनी है प्लीज जल्दी करें, वरना मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने पे मजबूर हो जाऊंगा। बस कर दे फरहान, साहब तो कब का निकल गया। मतलब? इतने दिन हो गए, अरमान के कातिलों के पीछे ख्वार होकर रह गए आप, काम पर भी आपका ध्यान नहीं है। तुम कहना क्या चाहती हो? सर आपके पीछे भागना छोड़ दे, कुछ हासिल नहीं होना। तो तुम क्या चाहती हो? मैं हाथ पे हाथ धर के बैठा रहूं और अरमान के कातिलों को चैन से जीने दूं, ये चाहती हो? अगर वो मिल भी जाएंगे तो कौन सा आप उनको उसी वक्त फांसी पे चढ़ा सकते हैं? आप जानते हैं ना, पूरी उम्र बीत जाती है ऐसे केसेस को भुगतने में। ठीक कहती है तुम्हारी बीवी। अपने भाई की तरह उसके कातिलों की गिरफ्तारी का ख्वाब भी कब्र में दफना दो। मेरा और नयनतारा का अल्लाह मालिक है। अम्मी, आप भी किसकी बातें दिल पे ले रही हैं? खाला, आप मुझे गलत मत समझें। अब आप खुद तो देखें, अरमान के बाद सिर्फ फरहान ही तो है हमारे लिए। ऐसे डाकुओं से दुश्मनी मोल लेना ठीक थोड़ी है। और इनकी जॉब, वो भी कितनी इफेक्ट हो रही है। हर वक्त बस इन वकीलों थानों के चक्कर में ख्वार होते रहते हैं। वार्निंग कॉल भी आ चुकी है, पूछे इनसे। कॉल आई थी लेकिन परेशान होने की जरूरत नहीं, मैं कल से जॉब स्टार्ट कर दूंगा। सरी की बात में वजन है बेटा, तुम अरमान के मामले को अल्लाह पर छोड़ दो। लेकिन अम्मी, मैंने कहा ना, बाकी रह जाने वालों की फिक्र करो बेटा, भूल जाओ इस मामले को, अपने काम पर तवज्जो दो। सर ये कप चाय तो बना कर ले आओ मेरे लिए। जी खाला। जरी, जरी क्या हुआ? क्या हुआ जरी? क्या हुआ तुम्हें बेटा? जरी क्या हुआ? जरी जरी क्या हुआ? जरी जरी
आ? किसी और ने आना था? नहीं, लेकिन आप कैसे आ सकते हैं? सवाल ये होना चाहिए कि आप मुझे छोड़ के जा कैसे सकते हैं? अरमान, ये आप ही है ना? यकीन नहीं आ रहा? छू कर देख लो। छू और मुझे आना। शादी होते ही पहले माँ बाप चल बसे दोनों, और अब बेचारे का शौहर बड़ी ही बदकिस्मत लड़की है। बदकिस्मत क्यों? अरे मैं क्या, पूरा मोहल्ला ही कह रहा है कि शादी के बाद साल के अंदर अंदर अपने शौहर को खा गई। देवकी की जिंदगी से बेहतर है कि औरत खुदकुशी कर ले। बेवा औरत ना घर की रहती है ना घाट की। नैनतारा, क्या हुआ? नैनतारा, I'm sorry, हम आपके पेशेंट को नहीं बचा सके। क्या? रब दिला विच रह।